तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और देखिए हमारे यहाँ शाम के 6:30 बजे हैं और सूरज डूब रहा है, और डूबते हुए देखिए कितना खूबसूरत सूरज लग रहा है। बिल्कुल पता नहीं वीडियो में कैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल लाल एकदम से जो है सूरज गोला दिख रहा है एकदम से ये इस तरह से, और बहुत सुंदर लग रहा है इस वक्त। हाँ जी, तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों एक बेहद खूबसूरत वाइन की, या जो गर्मियों में लगातार आपको फ्लावरिंग आपके लिए करती है। सिर्फ सर्दी के 2 महीने छोड़ दिए जाएं तो पूरा साल भर ये बेल आपको फ्लावर देती है। और ये बेल ही नहीं होती है, ये इसमें एक ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जो ड्वार्फ बुश होती है, गमले में फैलती नहीं है वो। जैसे ये ग्रिल पे गई हुई है, देखिए मेरी कितनी फैल रखी है जगह जगह, पूरी ग्रिल इसने घेर ली है। अब शायद जो है आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, देखिए कितनी खूबसूरत पूरे उसमें मैं इसको निकाल के ले आई हूँ। बार बार मैं इस बेल को डिस्टर्ब कर रही हूँ, और बीच में जब आंधी आई थी और तब मैंने इसको दिखाया था तो इसके सारे फूल जो थे मुरझा गए थे, अभी भी बहुत सारे मुरझाए हुए हैं। जी हाँ, ये है मेरी मधुमालती रंगून क्रीपर, या झुमका बेल आप इसको कह सकते हैं। झुमका बेल इसलिए कहा जाता है कि देखिए इसके जो फूल होते हैं नीचे झुमकों की तरह, जैसे कान के झुमके होते हैं लटके रहते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर नीचे झुमकों की तरह लटके रहते हैं, तो इसका नाम झुमका बेल है। और जैसा कि मैंने बताया पूरी गर्मी में फूल देने वाली खूबसूरत बेल है ये, जितनी मर्जी गर्मी पड़े इसको कोई मतलब इसके फ्लावरिंग बंद नहीं होती है। अगर ये अपनी आइडियल कंडीशन में लगी हुई है, तो आइडियल कंडीशन से मेरा मतलब है कि धूप वाली जगह पर और बड़े पॉट में अगर ये लगी हुई है तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है। और मैंने पहले भी जब फूलों की वीडियो बनाई थी, फूल वाले पौधों की या प्लांट्स की, उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और साथ साथ मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर आप लोग इसको और अच्छे से चाहते हो, आपके यहाँ ज़मीन पे या आपके पास ग्राउंड फ्लोर है तो आप इसको ज़मीन में लगाइए। अगर ये ज़मीन में लगेगी तो इसको फैलने के लिए जो है पूरा स्पेस मिलेगा, और ये आपके घर में ऊपर तक चली जाएगी और पूरे घर को फूलों से ढक देगी। कुछ लोग जो हैं इसको पॉजिटिव बेल भी मानते हैं, कहते हैं ये पॉजिटिविटी लेके आती है घर के अंदर। और बहुत ही हार्डी ये है, कोई इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार ले ली है तो अगर आप इसको बेल वाली वैरायटी लेते हैं तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि बड़े उसमें लगाइए या फिर ज़मीन में लगाइए इसको, तो ये बहुत अच्छे से चलेगी। समर जो होता है इसका फ्लावरिंग सीजन होता है पूरा। वैसे ये पूर मेरे यहाँ तो पिछले मतलब इसने सिर्फ जनवरी और दिसंबर में फ्लावरिंग नहीं की है, बाकी टाइम ये मेरे यहाँ थोड़ा बहुत फ्लावरिंग कर रही थी, लेकिन अपने ये पीक पे है अब इस वक्त। मैंने तो वैसे भी इतने छोटे से गमले में इसको लगा रखा, और उसी में देखिए इसने कितने अच्छे से ग्रोथ ले ली है। और इसमें जो है कभी भी किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े एफिड्स वगैरह किसी का अटैक नहीं होता, कोई पेस्ट करने की इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए इसको थोड़ा सा ये हैवी फीडर होती है, ख़ास तौर पे जो आप पॉट में लगा के रखते हैं तो उनको, तो इसको कंपोस्टी वर्मी कंपोस्ट नीम खली की खाद, सरसों खली की खाद और गोबर की खाद सब इसको देनी होती है। और एक चीज़ और जो मैंने इसमें नोट की है वो ये है कि जब अभी इसमें इस समय यानी कि मई में जब फ्लावरिंग हो रही है तो इसके जो फ्लावर है उनका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा हल्का है, यानी कि मतलब लाइट पिंक है। और जब पिछले बार मेरे यहाँ इसमें अगस्त सितंबर का मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है उसमें मैं देख रही थी तो इसके फ्लावर जो थे बिल्कुल एकदम डार्क पिंक शेड के थे, और तब भी इसने खूब फ्लावरिंग की थी। हो सकता है ये क्लाइमेट का या मौसम का थोड़ा असर हो, और मानसून में जो है हो सकता है इसके फ्लावर का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता हो। इस बार भी मैं ध्यान रखूंगी, अगर होगा तो मैं वीडियो पोस्ट करूंगी उसका भी।
बाकी आप चाहें तो इसको लाएं और लगाएं अपने घर में, बेहद खूबसूरत ये नज़र आती है बेल, आपके गार्डन की आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। स्पेशली अगर आपने इसे बड़े पॉट में और या ज़मीन में लगाया, और अगर आप बेल वाली वैरायटी नहीं चाहते हैं तो इसकी ड्वार्फ वाली छोटी वैरायटी भी ले सकते हैं। ज़्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए होता, बस 10 दिन में एक बार आप इसमें 10-15 दिन में कोई खाद या कुछ भी जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहें डाल सकते हैं, और 5-6 घंटे की धूप और इसकी जड़ों में नमी बस चाहिए होती है, यही इसकी आइडियल कंडीशन होती है फ्रेंड्स। तो मधुमालती पे अगर ये छोटी सी जानकारी, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।